हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेसी क्लासेस। वर्क मेन कंपनसेशन रिजर्व, हम लोगों ने इसके बारे में पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर सेकंड, जबकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने पीएसआर को चेंज कर रहे थे उस टाइम भी कंप्लीट वहां पर देख लिया था कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। सेम कंसेप्ट को अब हमें देखना है कि अब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है और एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम WCR के बारे में, जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं, का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और यहां पर जानेंगे कि WCR का ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब जान लेते हैं कि WCR का क्या मतलब होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने अपने बिजनेस में, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में बनाया था, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, लोग वहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्निकल वर्क होता है, बहुत सारा रिस्की वर्क होता है, वर्कर्स के साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो इस वर्क को कर रहे होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब हो गया कि हम लोगों ने एक रिजर्व बनाया है अपने वर्कर्स के लिए, क्योंकि अगर हम एज्यूम करते हैं कि ABCD पार्टनर है और वो तो पार्टनर है, वो तो बिजनेस के ओनर है, वो तो वर्क में करेंगे नहीं, जो टेक्निकल वर्क है वो तो वर्कर ही करेगा। अब वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कैजुअल्टी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पर कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है कई बार कि वर्कर्स की वहां पर डेथ तक हो सकती है, वर्कर्स के फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स है उसमें डैमेज हो सकता है, उसमें हार्म हो सकता है। ऐसे सारे अनसर्टेनिटीज जो रिस्क हैं, इनसे बचने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से प्रोविजन कर लिया है और हमने क्रिएट कर लिया एक रिजर्व, जिसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन गया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उस टाइम पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या क्या चेंजेस होंगे यही जानेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट देखे थे, वो ही चारों केसेस अब आपको पढ़ने हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में देख लिया था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं जाने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी आपको समझना है कि जैसे ही नया पार्टनर एडमिट हुआ और पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस दिया हुआ था, जैसे कि मैं आपको बना के समझाता हूं कि हमारे पास एक बैलेंस शीट बनी है और एक बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है उस डेट की जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले की, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम नई बैलेंस शीट अगले ईयर में बनाएंगे। तो ये बैलेंस शीट है, ये हमारे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है और ये हमारे बैलेंस शीट का एसेट साइड है, क्योंकि मैंने आपसे कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास में लायबिलिटी साइड में दिखता है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000 रुपीज। ठीक है, अब हमने ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म तैयार कर लिया है जिसमें हमें सिर्फ जिस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करना है वही हम लोगों ने दिया है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हम लोगों ने चेक करना है कि जो हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम सारे ही पॉइंट को सॉल्व करेंगे। याद करिए, मैंने आप लोगों को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में WCR का जब एक ट्रीटमेंट करवाया था, मैंने आप लोगों को एक सीक्रेट बताया था और वो सीक्रेट ये था कि हमारे पास इन 4 केसेस में से कोई एक केस ही हमारे पास एग्जाम में आने वाला है और इस केस में जो भी केस आपके पास एग्जाम में आएगा उसकी आधी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक एंट्री का एक पॉइंट याद करके, कि केस चाहे कोई भी हो, हमने पहली एंट्री में WCR को डेबिट करना है उस अमाउंट से जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन में WCR का अमाउंट 80,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बाद ट्रीटमेंट जो बोलेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन पहला स्टेप जो आपको करना है इसे आप याद कर लीजिए। चाहे आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज पढ़ रहे थे, चाहे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, ओल्ड WCR जो हमारे पास दिया हुआ है उसे एडमिशन या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज में पहली एंट्री में कर देना है डेबिट। तो हमें एक एंट्री WCR की पास करनी होगी जिसमें हम हर बार किसी भी केस में WCR अकाउंट डेबिट ही करेंगे। ये आपको रट लेना है, ये आपको लर्न कर लेना है, ऐसा ही करना है, क्योंकि WCR का ट्रीटमेंट हम WCR के डेबिट करने से स्टार्ट करेंगे। अब हमें देखना कि करना क्या है। अब हमारे पास 4 केसेस दिए हैं, इसे हम कोरिलेट करेंगे। हमारे पास अगर केस नंबर 1 से देखते हैं कि WCR का अमाउंट हमारे पास में 80,000 रुपीज दिया हुआ है और हमारे पास में जो क्लेम है WCR का कोई क्लेम नहीं है, मींस कि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को बिजनेस में ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई ही नहीं कि हमें उस जो हमने WCR बनाया था उससे किसी वर्कर्स को पेमेंट करना पड़े, ऐसे केस में ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया कि भाई बिजनेस में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और जो 80,000 रुपीज का हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया था कि वर्कर्स की कैजुअलिटी में काम आएगा, भगवान का ऐसा रहा हमारे ऊपर में कि हमारे पास कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमने अपने प्रॉफिट को वहां पर कम करके एक अलग से रिजर्व बनाया था WCR, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, WCR हमारे पास दिया है, कोई क्लेम नहीं है, तो
ओल्ड डब्ल्यू सी आर को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते थे, तो ये ट्रीटमेंट ठीक वैसा ही है आपको इस कंप्लीट डब्ल्यू सी आर के लिए, तब जबकि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि नो क्लेम अगेंस्ट डब्ल्यू सी आर। इस पॉइंट की जगह पर कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग डब्ल्यू सी आर, तो सेम मतलब होता है कि डब्ल्यू सी आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी हुई है और नो क्लेम है, तो दोनों के मतलब सेम है। करना क्या है, हमें WCR के अमाउंट को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। हमारे पास WCR लायबिलिटी साइड में है, मैंने आपको बताया राइट ऑफ करने के लिए WCR को हमें करना होगा डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी में है मतलब ये क्रेडिट है। अब हमें इसे राइट ऑफ करने के लिए इसे करना होगा डेबिट, और ये देखिए मैंने इसे डेबिट कर रखा है WCR अकाउंट डेबिट। अब क्या करना है, मैंने कहा ओल्ड WCR जबकि फॉर्म में कोई क्लेम नहीं हुआ किसी भी एम्प्लॉयज से, तो हमें क्या करना है टू डब्ल्यू सी आर को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बिजनेस में ए बी सी पार्टनर है, उन्होंने डी को एडमिट किया है, क्वेश्चन भी बना लेते हैं। और ए बी सी पार्टनर है और वो बिजनेस कर रहे हैं 221 में, चलिए 221 में बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने बिजनेस में नया पार्टनर बनाया है डी को, और डी पार्टनर जो है वो 1/4 शेयर के लिए पार्टनर है, ये भी हम मान लेते हैं। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, डब्ल्यू सी आर का जो अमाउंट हमारे पास लिखा हुआ है कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो इस कंप्लीट डब्ल्यू सी आर को आपको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में कर देना है राइट ऑफ। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट एंड 2C's कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे, और ये हमने गुडविल अपने डब्ल्यू सी आर को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में कर देना है राइट ऑफ। अमाउंट 80,000 रुपीज़ ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में कर देना है राइट ऑफ। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग या न्यू रेशियो निकालने की, ओल्ड रेशियो में ही कर देना है। और 80,000 रुपीज़ को जब हम अपने पार्टनर्स के 221 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास में 32,000 एंड 16,000 रुपीज़ बच जाएगा। तो ये हमने कर दिया कि टोटल WCR को जब पार्टनर्स ने कोई क्लेम एम्प्लॉयज़ ने सॉरी माफ़ कीजिएगा कोई क्लेम नहीं किया है, तो हमें WCR को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। ठीक है, पार्टनर्स को मिल गया, जो पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट ब्लॉक किया था रिजर्व में, अब रिजर्व का यूज़ नहीं हुआ, तो भैया उस पार्टनर्स को वापस दे दो, प्रॉफिट को वापस पार्टनर्स को दे दो। तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया है, WCR को ख़त्म कर दिया है, तो अल्टीमेटली वो पैसा वापस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं, इफ क्लेम ऑफ WCR इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR, ऐसे केस में हमें क्या करना है, चलिए इस केस को देखते हैं। मैं इस एंट्री को फिर से यहां पे जो WCR का अमाउंट 80,000 रुपीज लिखा हुआ है इसे हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, मैं इसे इस बोर्ड के इस पार्ट में लिख लेता हूं तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एक एंट्री तो आपको पता है कि WCR अकाउंट डेबिट आपने करना है 80,000 रुपीज से, जो कि हमारे पास ऑलरेडी WCR दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप के WCR का ट्रीटमेंट बोला हो, इस एंट्री को आपको याद रखना है कि WCR को हमें डेबिट करना ही है एडमिशन या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के PSR चेंज में, अगर WCR दिया है तो। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड है कि द क्लेम ऑफ WCR इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR, हमने बनाया है टोटल 80,000 रुपीज़ का, कैजुअल्टी हो जाती है एट द एंड ऑफ ईयर, जब हम देखते हैं कि टोटल कैजुअल्टी का हमने जो अमाउंट वर्कर्स के लिए पे किया था, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन है वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए, और वर्कर्स ने इस 80,000 रुपीज़ में, हम ये मान लेते हैं कि वर्कर्स ने जो क्लेम किया एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 50,000 रुपीज़ का क्लेम रिसीव कर लिया है, मतलब वर्कर्स ने 50,000 रुपीज़ क्लेम कर दिया है। अब हुआ क्या, हमने बनाया था 80 का, लेकिन जो क्लेम हुआ है वो लोअर देन WCR है, क्योंकि क्लेम एक्चुअल में हुआ है 50,000 रुपीज़ का, जबकि हमने क्लेम के लिए यहां पर जो अरेंजमेंट्स किए थे वो 80,000 रुपीज़ के किए थे। अब आप इस पॉइंट को पढ़िए, द क्लेम ऑफ WCR इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR, अमाउंट ऑफ WCR ये वाला अमाउंट है और जो क्लेम हुआ है वो 50,000 रुपीज़ हुआ है। ऐसे केस में भी हमारे लिए एडवांटेज हो गया कि हमने तो क्लेम का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था वो 80,000 रुपीज़ था, कैजुअल्टी कम हुई है, 50,000 रुपीज़ ही हमें वर्कर्स को देना है। इट मीन्स कि जो 30,000 रुपीज़ लेफ्ट बच रहा है बिटवीन 80 एंड 50,000 रुपीज़ का, ये हमारे पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है कि भाई क्लेम जितना बनाया था, जितना हमने WCR बनाया था, क्लेम उससे कम हुआ है, तो जो डिफरेंस अमाउंट बच रहा है 30,000 रुपीज़, उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर लेंगे, कर सकते हैं। हमने WCR 80,000 रुपीज़ लिख लिया है, जबकि जो क्लेम हुआ है वर्कर्स के लिए वो हुआ है हमारे पास में 50,000 रुपीज़ का। अब 50,000 रुपीज़ का जब क्लेम होगा और हमारे पास में 30,000 रुपीज़ बच जाएंगे, तो 30,000 रुपीज़ को आपको कर देना है टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, क्योंकि अभी आपने जो क्लेम का अमाउंट है वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई है, अभी तो आपने रिजर्व्स के फॉर्म में लिखा था, अब लायबिलिटी हो गई है और आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना है, वो है आपको 50,000 रुपीज़। लेकिन मैंने आपसे कहा जो डिफरेंस अमाउंट बच गया, जो अब क्लेम नहीं हुआ है, उसे पार्टनर्स को दे दीजिए ओल्ड रेशो में, और हमारे पास पार्टनर ABC है, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल एंड 2C's कैपिटल, क्योंकि न्यू पार्टनर हमारे पास है डी, डी का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, मैंने आपसे कहा है
कोई न्यू रेशो नहीं, कोई सेक्रीफाइसिंग, कोई गेनिंग नहीं। सिंपली आपने जो बच गया है 30,000 रुपीज़, उस 30,000 रुपीज़ को 2:1 के रेशो में हमें पार्टनर्स को दे देना है और वो अमाउंट आ जाएगा 12,000 एंड 6,000 रुपीज़। तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कंसेप्ट है। WCR 80,000 का हमारे पास लिखा हुआ है, क्लेम जो हुआ है वो हुआ है 50 का। तो जो 30,000 रुपीज़ है उसको आपको पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ कर देना है। न्यू रेशो का कोई काम नहीं, नए पार्टनर का कोई काम नहीं। हुआ इन द टाइम ऑफ एडमिशन हमने यहाँ पे वैल्यूएशन किया है, लेकिन हमने जब वैल्यूएशन किया तो चेक किया कि भाई इतना इतना पार्टनर ने लिया था, न्यू पार्टनर का अभी भी कोई रेशो नहीं है। हमने फिर से चेक कर लिया, हमने WCR को यहाँ पर किया है डेबिट, जो कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। WCR का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें वहां पर WCR को पहले करना होगा डेबिट और अकॉर्डिंगली एंट्री पास करनी होगी जो हमारे पास सिचुएशन है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है केस नंबर सेकंड। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड की तरफ, फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब केस नंबर थर्ड लिखा है द क्लेम इक्वल टू WCR। लीजिए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने टोटल एक्सपेक्ट किया था कि 80,000 रुपीज तक का क्लेम हो सकता है। कोइंसिडेंस मानिए या जो भी मानिए कि वर्कर्स के बीच में जो कैजुअल्टी हुई है कंप्लीट एक होल ईयर में, वो 80,000 रुपीज के पास ही हुई है। कभी वर्कर ने 5,000 की, कभी 10,000, या हो सकता है एक बार में 80,000 रुपीज का क्लेम हो गया हो। तो क्लेम जो है वो अमाउंट ऑफ WCR के इक्वल से हमारा क्लेम हुआ है, जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ WCR हमारे पास क्लेम भी हुआ है। अब ऐसे केस में जितना हमने यहां पर अमाउंट ऑफ WCR था उतना ही क्लेम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा और पूरा पूरा अमाउंट क्लेम में चला जाएगा। एंट्री पास कर सकते हैं, वही एंट्री मैंने आपसे कही केस नंबर थर्ड में कि पहले आपको WCR अकाउंट को डेबिट करना ही होगा उस अमाउंट से जो हमारे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया है। अगेन मैंने WCR को 80,000 रुपीज से डेबिट कर दिया है और इस बार टोटल क्लेम हो गया 80,000 रुपीज का। तो हम कर देंगे टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, क्योंकि अब आपको इस क्लेम का पेमेंट करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर दी है और इस बार हमारे पास अमाउंट है 80,000 रुपीज़। लीजिए 80,000 रुपीज़ का आपने अमाउंट पेमेंट कर दिया है, वर्कर्स को दे दिया और आपने लायबिलिटी बना ली क्योंकि आपको वर्कर्स को पेमेंट करना है। तो ये आपने एंट्री पास कर ली केस नंबर थर्ड के लिए, दैट्स इट। क्योंकि अब हमारे पास में WCR का कोई लेफ्ट अमाउंट बचा नहीं है, तो पार्टनर्स को यहाँ पर WCR का कोई भी अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा किसी भी रेशो में। तो ये केस नंबर थर्ड है जो कि बहुत ईजी हो गया, केस नंबर थर्ड हमने कर लिया। अब हम चलते हैं केस नंबर फोर की ओर। केस नंबर फोर में भी आपको फर्स्ट एंट्री के वेरी फर्स्ट स्टेप में WCR को डेबिट करना है। कितना इंटरेस्टिंग हो गया हमारे लिए कि हम सबसे पहले विदाउट क्वेश्चन रीड किए WCR अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं 80,000 रुपीज़। स्टेप चेकिंग होती है मेरे बच्चों, स्टेप चेकिंग में आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाने हैं, भले आपसे क्वेश्चन बनता ना बनता हो, ठीक है। इफ़ क्लेम इज मोर देन WCR, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि हमने जो WCR बनाया था 80,000 रुपीज़ का, इस बार एक्सीडेंट या कैजुअल्टी थोड़ा ज़्यादा हो गई है और जो क्लेम हुआ वो हो गया उस अमाउंट से ज़्यादा जो हमने ऑलरेडी WCR बनाया था। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में जो 80,000 रुपीज़ का हमने बनाया था और हमारे पास में जो क्लेम हो गया वो 1,00,000 रुपीज़ का हो गया। इस बार जो क्लेम है वो है 1,00,000 रुपीज़ का। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपने जो 80,000 का बनाया था वो तो पूरा पूरा वर्कर्स ने क्लेम कर लिया और 20,000 रुपीज़ की लायबिलिटी हमारे ऊपर और आ रही है। अब ऐसे केस में हमारे ऊपर लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की PSR चेंज में, जो कि हमें एडमिशन में भी करना होगा, अब हमें ओपन करना होगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें हम अपनी लायबिलिटी जो 20,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है, पहला इंपैक्ट हमें अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लेना होगा एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिकॉल कर लेते हैं, अभी आपको एडमिशन में तो पढ़ना ही है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने आपको बताया था अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो जब इंक्रीज होगी तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा। ये लीजिए, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लिखेंगे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, कितना ईजी है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, तो एसेट्स इंक्रीज होगी तो लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है तो हम लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। लीजिए, ये हमने कर लिया। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 20,000 रुपीज़ से। तो हम जो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप देखेंगे टू साइड में है, तो हम लिखेंगे टू WCR और जो अमाउंट है वो है हमारे पास में बिटवीन 80 एंड 20 का डिफरेंस, 1,00,000 का डिफरेंस, और वो है 20,000 रुपीज़। अब इस लायबिलिटी के रेज होने से अगर हम इस पूरे पॉइंट को देखते हैं तो अगर हम इसका टोटल करते हैं, और हमने एज्यूम किया था कि टोटल हमारे पास इस साइड का ज़्यादा होता है क्रेडिट का, तो जो ज़्यादा टोटल है हमको उसको दोनों साइड में लिख देना है, और डिफरेंस को कहते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन।
ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर टोटल इस साइड का ज़्यादा होता है, डेबिट का टोटल का कम होता, तो ज़्यादा वाला टोटल हम लिखते हैं, और यहाँ पर आता तो हम कहते हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो कोई एक ही सिचुएशन क्रिएट होगी मेरे बच्चों, या तो वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर डेबिट साइड का, तो 20,000 रुपीज़ हमारे पास आ गया। अब हमने कहा कि इसी को हमें इक्वल करने के लिए दोनों साइड में लिख देना है, तो हमने लिख दिया। अब ऐसा करने के बाद में आप देखेंगे कि जो बाई साइड में ऑलवेज हमारे पास लॉस आता है, हमने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी देखा है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और वो कौन से पार्टनर होंगे, ए बी और सी। वट एवर द लॉस कम्स इन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो वो जो भी अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, और ऐसे केस में हमारे पास जो 20,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसकी वजह से हमें लॉस हो गया, और इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स को देंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में लॉस का जो अमाउंट है वो 8,000 एंड 4,000 आ जाता है। लीजिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने और सॉल्व कर लिया है इस पॉइंट का, जबकि क्लेम का अमाउंट हमारे पास में WCR के अमाउंट से हो गया है ज़्यादा, तभी तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। अब एंट्री कैसे पास करनी है, एंट्री देखते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा, मैं इस एंट्री को फिर से यहाँ बना लेता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपको WCR अकाउंट डेबिट करना ही है, ये लीजिए हमने कर दिया 80,000 रुपीज़ से। लेकिन इस बार हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, अगर आप देखेंगे तो जो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वो 20,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी और इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे ही लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एक्चुअल में टू प्रोविजन फॉर WCR। हम जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोविजन के नाम से करेंगे, तो प्रोविजन फॉर WCR। अभी आप देखिए हमारे पास में एंट्री क्या बन रही है, तो अगर आप एंट्री देखेंगे तो हमारी एंट्री बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। तो हमने यहाँ पर लिख देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और वो अमाउंट है 20,000 रुपीज़, क्योंकि जो अल्टीमेटली इंपैक्ट आया लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने का वो थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास रिवैल्यूएशन को हमें करना होगा डेबिट। अल्टीमेटली ये दोनों ही पैसा हमारे पास चला गया टू प्रोविजन फॉर WCR, जो कि हमारे पास इस बार 1,00,000 रुपीज़ का है। इस एंट्री को जरा ये इसके अंदर जा रहा है, आप अरेंज कर लीजिएगा। तो हमारे पास एंट्री बन गई WCR, जो कि हमारे पास ओल्ड WCR दिया है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मैंने कहा लाइबिलिटी जो भी इंक्रीज़ होगी थ्रू रिवैल्यूएशन होगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, क्योंकि एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCR बन रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। और इसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी हो गई 1,00,000 रुपये, तो हमने अपनी नई लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर ली है प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, और ये लाइबिलिटी इस बार हमारे पास है 1,00,000 रुपीज़ की। मामला बहुत क्लियर, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने के बाद अब टोटल लाइबिलिटी हो गई 1,00,000 की, जो ओल्ड लाइबिलिटी थी वो, और जो हमने रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी इंक्रीज़ की वो टोटल लाइबिलिटी 1,00,000 रुपीज़ की। अब इस 20,000 की लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने से हमें हो गया है लॉस। अब आपको इस लॉस को पार्टनर्स को ही लेना है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में ही तो हुआ है। तो इस लॉस को अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एंट्री बन रही है, तीनों ही पार्टनर को हमने डेबिट किया है, तो एंट्री बन रही है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप एंट्री पास कर सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए पढ़ रहे हैं एडमिशन, लेकिन हमने एडमिशन में किसी भी नए पार्टनर का जिक्र WCR के किसी भी कंसेप्ट में नहीं किया है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 8,000 एंड 4,000 रुपीज़ आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 4 जो कंसेप्ट हैं वो WCR के यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। एडमिशन चैप्टर है, लेकिन एडमिशन के चैप्टर होने के बावजूद हमने नए पार्टनर का यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि WCR तो ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स तक ही उसे रखना है। नए पार्टनर के बाद जो WCR बनेगा उसमें नए पार्टनर को इंक्लूड करेंगे, अभी ओल्ड WCR है। और क्लेम जो है वर्कर्स का है, तो ऐसे केस में तो हमारे लिए न्यू पार्टनर का कोई रोल रह नहीं जाता है। तो WCR का ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पे विदाउट न्यू पार्टनर को हम वहाँ पर ट्रीट किए कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। हर केस में आपको WCR को, जो ओल्ड WCR है उसको आपको सबसे पहले कर देना है डेबिट, और आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडमिशन के टाइम पर ट्रीटमेंट कैसे होता है। मिलेंगे, इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।